आज पूरे देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती का जश्न मनाया गया। 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में पैदा हुए मोहनदास करमचंद गांधी को पूरी दुनिया अहिंसा के पुजारी के रूप में पूछती है। गांधी जयंती के मौके पर मथुरा में बंदियों द्वारा तैयार सामान की प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें बंदियों द्वारा तैयार की गई मोमबत्ती, पोशाक और अन्य सामान को प्रदर्शित किया गया। आज 2 अक्टूबर को जेल में बंद बंदियों को विभिन्न संस्थाओं द्वारा रोजगार आदि का परीक्षण दिया जाता है और बंदियों से ठाकुर जी की पोशाक, मोमबत्ती तथा थैली बनाने का काम लिया जाता है। 2 अक्टूबर को बंदियों द्वारा तैयार की गई सामग्री की प्रदर्शनी लगाई गई। जिले के उद्यमी समाज सेवियों को आमंत्रित किया जाता है। जेल वरिष्ठ अधीक्षक शैलेंद्र मैत्री ने बताया कि उद्यमियों के आने से जेल बंदियों के लिए रोजगार के और भी नए अवसर खुल जाते हैं, जिससे जेल में बंद बंदियों का दिमाग दूसरी जगह ना जाकर अपने काम की ओर ही रहता है और उससे वह नए काम भी सीख जाते हैं और छूटने के बाद अपना नया जीवन शुरू कर सकते हैं। जेल से निकलने के बाद बंदियों को अपना काम करने का भी हुनर मिल जाता है और वह गलत रास्ते पर ना जाकर सही रास्ते पर जा सकते हैं। आज 2 अक्टूबर है गांधी जयंती के उपलक्ष्य में कितने कैदियों को यहाँ से रिहा किया जा रहा है? हमारे यहाँ पे आज की डेट में 6 बंदी ऐसे हैं जो जुर्माने की सजा काट रहे हैं, तो समाज सेवी संस्थानों का सहयोग लेके हम उनका जुर्माना जमा करके 6 बंदियों को छोड़ रहे हैं। आज मेरा नाम सर पंकज कुमार सिंगल है। तो कितने दिन से आप जेल में हैं? सर मुझे 5 साल से। क्या केस में? दो के केस में। तो आज आपने ये क्या चीज़ क्या क्या आइटम बनाए जेल में? सर मैं जेल में लोहे के फर्नीचर से हैं, जिसमें कि मकानों की जो भी जंगले जाले और गेट वगैरह होते हैं सारे बना लेता हूँ सर। उसमें लकड़ी के कूलर है सर, मोटर वर्णिंग है, पंखा का काम है सर, टीन शेयर वगैरह जेल में जो भी डालना है सारे काम कर लेते हैं। आप आत्मनिर्भर होने के लिए इस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है जेल में, क्या करेंगे इसके लिए? सर मैं आभारी हूँ कि मैं इससे कुछ आगे सीखूँ और बाहर जा करके कुछ अच्छा काम हो। और ये पैसे जो मेहनतराओं में लेगा इसको किस में लगाएंगे आप, किस तरह यूज़ करेंगे? सर मैं इसे बिजनेस में ही लगाऊंगा सर, बिजनेस आगे जीवन यापन। मैम बताया 2 अक्टूबर के चलते जेल में प्रदर्शनी लगाई गई है कैदियों को मनोबल बढ़ाने के लिए, क्या क्या चीज़ें इसमें करेंगे? जेल में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे मैत्री साहब ने शुरू कराए। सबसे बड़ी बात है इनिशिएट करने की, सर ने इसे इनिश किया और मिसेस रियम ने इसको कैरी ऑन कर दिया। उससे फ़ायदा ये हो रहा है कि एक तो सबसे पहले जेल में जो लोग हैं उन पर काफ़ी टाइम स्पेयर रहता था पूरे दिन में, नाउ दे आर बिजी। और वैसे भी कहते हैं कि अगर आप बिजी हैं तो आप कुछ अच्छे कंस्ट्रक्टिव हो जाते हैं। दूसरा उनको इतना अच्छा अप्रिशिएशन मिल रहा है क्योंकि उनके सबके अंदर टैलेंट है, तो जब उन्हें अप्रिशिएशन मिला तो उनके चेहरे पर जो एक स्माइल आ रही है, उनका जो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है जो शायद जेल में बंद होने के बाद कहीं टूटने लगता है। क्योंकि वैसे भी कहा जाता है कि अपराध जो होता है वो क्षणिक होता है, किसी किसी टाइम किसी बंदे के दिमाग में क्या आता है जो वो पकड़ा, और कोई भी पैदाइश अपराधी नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है। यहाँ पे आज कैंडल्स का डिस्प्ले है, पोशाकें बन रही हैं वो यहाँ पे प्रदर्शित है, कुछ लोहे के सामान जो जेल के कैदियों ने बनाए वो हैं, महिला कैदियों द्वारा तैयार कुर्ते को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है, बैग्स हम लोग बना रहे हैं जिन्हें हम आजकल पॉलीथीन के सब्स्टिट्यूट की तरह यूज़ कर सकते हैं, अचार मुरब्बों का यहाँ प्रदर्शन है। तो वो अलग अलग स्ट्रीम से बहुत सारी चीज़ें, इसके अलावा आज कंटी माला का काम यहाँ से शुरू हो जाएगा, मुकुट का काम आज यहाँ से शुरू हो जाएगा, और पुरानी बेडशीट से थैले बना के उन्हें मार्केट में बहुत कम कॉस्ट पे सेल कर पाएंगे। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इन सबके पीछे पर्पस जो है वो यही है कि इन लोगों को यहाँ से जो ये काम करेंगे इनके पर्सनल अकाउंट में ये अमाउंट डिपॉजिट होता जाएगा, तो जब वो यहाँ से बाहर निकलेंगे तो उनके पास एक अपनी इनकम होगी और दूसरा एक अच्छा टैलेंट होगा उसे लेके, ये कोई भी अपने लिए किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होंगे, सेल्फ डिपेंडेंट होकर अपना काम शुरू कर पाएंगे। 2 अक्टूबर है गांधी जयंती, किस तरीके से कैदियों को सुधारने के लिए क्या 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 चीज़ें हैं, क्या क्या जेल में बंद बंदियों को सुधारने के लिए हम लोग ने ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करे हैं। हमने ऐसे बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम किए हैं जो वाकई वो बाहर निकलते बिना किसी इक्विपमेंट्स के या बिना ज़्यादा पैसा लगाए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उनमें ट्रेनिंग जब स्किल्स डेवलप हो जाएंगी तो उनको सामान की आवश्यकता ज़्यादा नहीं रहेगी। साथ ही आप लोगों के माध्यम से और बाकी एनजीओस के माध्यम से हम उनका जेल में ही परिचय करा देंगे कि बाहर छूटने के बाद उनको काम ढूंढने में भी दिक्कत ना आए, जिससे वो दोबारा अपराध की लाइन में ना आना पड़े। सर जिस तरीके से देखा जा रहा है पहले जेल हुआ करती थी, अब सुधार हुआ देखा जा रहा है, बंदियों को काम भी मिल रहा है, खाने पीने की व्यवस्था सही है, मेडिकल की व्यवस्था सही है, सर क्या क्या व्यवस्थाएँ हैं, कैसे कैसे? जेल का कॉन्सेप्ट अब जेल नहीं रहेगा, जेल सुधार गया ही कहलाती है। बाहर अगर किसी से कोई गलती हुई है या उसके आचरण में कोई कमी है तो जेल में पर्याप्त समय रहता है, तो इसका इस समय को सदुपयोग करें, उसको सुधार लेंगे। प्रशासन की जिम्मेदारी यह है कि हम उसको सुधरने का भरपूर मौका दें। बेसिक नीड्स में खाना अच्छा उसको मिलना चाहिए, पानी अच्छा मिलना चाहिए। हमारे यहाँ पे जो रोटी बन रही है रोटी मशीन से बन रही है, मॉडर्नाइज्ड किचन है, आरओ का पानी हम दे रहे हैं, चिलर
एनजीओ की संस्था से लगवाए हम, तो ठंडा पानी को मिल रहा है। डेंटल आपको मैंने दिखाया है, डेंटल यूनिट दांत से लेके और जितनी रिलेटेड चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि जब उसको बेसिक नीड्स पूरी होंगी तब फिर वो ट्रेनिंग स्किल पे आएगा, तो उसको लगेगा कि उसको भी समाज के लिए कुछ काम करना चाहिए। प्रोत्साहित करते हुए हम लोग उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैडम डीएम आई हैं, इनका बहुत आशीर्वाद रहा, पिछली बार भी अभी आई थी एक हफ्ते के अंदर, पहली बार इनका विजिट है। आपने इतना सहयोग किया कि हमको बहुत माल दिलाया बाहर सामान, और बाहर की जो भी समाज सेवी संस्था हैं या अन्य सम्मानित गण हैं उनको भेजा जेल पे, जिससे आज आप देख रहे हैं कि हम ये तरीका पा रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं। ठीक है, नाम आपका? महेश वशिष। महेश जी, कितने दिनों से आप जेल में हैं? मैं करीब 14 महीने हो गए, 15वां महीने चल रहा है। अब देखा जा रहा है आत्मनिर्भर के लिए जेल में कार्य चल रहे हैं और लाइब्रेरी भी बना गई है, तो लाइब्रेरी में किस तरीके से आप काम करते हैं और किन किन ग्रंथों या किस तरीके के साहित्य रखे गए हैं इसमें? इसमें सभी प्रकार के साहित्य हैं, जैसे मानव मनोरंजन से रिलेटेड भी हैं, कुछ बहुत बहुत विद्वानों के जो है लिखी हुई पुस्तकें भी हैं, इसमें आध्यात्म पुस्तकें भी हैं, और बहुत ही ज्ञानवर्धक और जो कुछ लोग जो कुछ बनना चाहें सुधरना चाहें उनसे रिलेटेड सभी जो है इस प्रकार की सभी प्रकार की पुस्तकें हैं। धार्मिक प्रकार की हैं, मतलब जिस प्रकार का जैसा मन है व्यक्ति का उस प्रकार की पुस्तक हमारे यहाँ उपलब्ध है। तो जिस तरीके से यहाँ पर कैदी होते हैं वो यहाँ पर पढ़ने के लिए ग्रंथ पढ़ने के लिए आते हैं, क्या टाइमिंग होती है कि कभी भी आ जाते हैं क्या? नहीं, सुबह 10 बजे आते हैं और 10 बजे आकर के अपने पुस्तक इशू कराते हैं, पुस्तक इशू कराकर जो है अपना एक हफ्ते के लिए अपने पास पुस्तक ले जाकर पढ़ाई करते हैं, तो उसको टाइम पर आकर उसको जमा कर दें, उस जो डेट दी हुई होती है उस डेट में आकर जमा करते हैं। अब आप क्या संदेश देना चाहते हैं बाहर के लोग जो अपराध कर रहे हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं आप अंदर हैं? जो लोग अपराध कर रहे हैं सबसे पहली चीज़ तो थोड़ा सा यही है कि न्याय जो है, कई बार कुछ लोग कहते हैं कि साहब हमने जो है अपराध किया ही नहीं, और अपराध नहीं किया तो फिर भी हम लोग जेल में, या डिसीजन लेने में यानी अपराध किया या नहीं किया इसमें ही काफ़ी समय लग जाता है। अब कुछ लोग मान सपोज करिए किसी तरीके से मैं ही हूँ, मेरी धारा में 1 महीने में बेल होनी चाहिए थी, जब आज 15 महीने में बेल नहीं हुई। कई बार ऐसा होता है कि मान लो एक आदमी, अगर अपोजिट पार्टी का आदमी अगर वो बलवान है और बलवान है तो वो किसी प्रकार से निकलने नहीं दे रहा है, तो उसके लिए कोई तो प्रक्रिया होनी चाहिए ना जिस प्रकार वो निकल सके, ऐसा कोई नियम नहीं बन रहा। अब मान लीजिए मैं किसी, मेरे को 420 लगी, 420 लगने के बाद में मुझे जो है कितने दिन, 420 में तो 1 महीने 2 महीने बेल हो जाती है, जबकि मुझे आज तक 15 महीने बेल नहीं मिली। कभी वो अपोजिट पार्टी है वो इतना दबंग ना डेट लगने देती है ना कुछ होने देती, यानी कि तो आपका कहना है कि अपराध जो न्याय है उसमें देरी होती है, उसके चलते कहीं ना कहीं आप लोग आहत होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और उसके बाद में कुछ न्याय की कुछ किताबें जो है यहाँ भी अगर रखी जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अभी 1600 किताबें हैं, लोग काफ़ी इसमें समझते हैं, पूछ के भी जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए, तो हम लोग काफ़ी समझाते हैं। थैंक यू जी। और कुछ JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।